लॉकडाउन में छूट का समय निकल जाने के बाद भी A1 स्टील सरिये की दुकान खुली पाई गई, जिसे देखकर तहसीलदार खाद विभाग कैंट पुलिस की छापामार कार्रवाई की गई। वहीं दुकान गोदाम को सील कर दिया गया। संचालक अपरार पिता मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कंटेनमेंट एरिया से चोरी छुपके आकर अपनी दुकान खोल रहा था। कलेक्टर की समझाइश के बाद भी संचालक चोरी छुपे अपनी दुकान से सामान दे रहा था, जिसे देख कलेक्टर के निर्देश के बाद A1 स्टील के गोदाम को सील कर दिया गया और संचालक को गिरफ्तार किया गया। महोदय अभी कलेक्टर कार्यालय से अपने बंगले की तरफ जा रहे थे, तो कलेक्टर महोदय का फ़ोन आया था। मैं कमल चौक स्थित अपने कंटेनमेंट जोन पे ही मौजूद था कि यहाँ पर एक दुकान जो है A1 स्टील के नाम से ही अभी भी व्यापार कर रहा है, और जबकि प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी और किसी प्रकार के कोई भी व्यापार संचालित नहीं होगा इस दौरान। उसका पालन नहीं करते हुए कलेक्टर साहब के द्वारा इसको पूर्व में भी 2 बार समझाया गया था, जब भी ये अपना व्यापार संचालित कर रहा था, और आस पड़ोसियों के लोगों के द्वारा ही बताया गया कि पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान भी इसने अपना व्यापार किया है, जबकि सरिये और ये चद्दर को जो है अनुमति नहीं दी गई थी पूर्व में, उनको अनुमति अभी दी गई है कुछ दिन पूर्व। और एक मामला और इसमें सामने अभी आ रहा है कि ये कंटेनमेंट जोन जो घंटाघर है उसके अंदर ये रहता है व्यक्ति, और ये दोनों व्यक्ति जो है बाहर निकल के आते हैं वहाँ से चोरी छुपे, और ये अपना व्यापार यहाँ पे संचालित करते थे, जिसके भी पुलिस के द्वारा पुष्टि की जा रही है। और आज नायब तहसीलदार मैडम और उनकी टीम के द्वारा आज इसकी दुकानों को अभी सील किया जा रहा है, दुकान को और गोडाउन को, और सील करने के बाद में भी 188 में इसका मुकदमा कायम किया जा रहा है। और भी आस पड़ोसियों के द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा काफ़ी शिकायतें हैं, ये मीट मटन भी लाके जो है यहाँ रोडों पर पटकता था कुत्तों को खिलाने के लिए, और अंदर बैठकर काफ़ी सारी चीज़ें इसके द्वारा जो है अपने व्यापार में भी कभी नाम मिटाना, उनकी अभी तस्दीक और पुष्टि की जाएगी, और इसके खिलाफ जो है अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अभी इसके व्यक्ति का नाम जो है A1 स्टील का मालिक जो है वो अबरार पिता मोइनुद्दीन है, और जिसको भोला भी कहा जाता है, और 2 गाड़ियां भी यहाँ पर मिली हैं 2 व्हीलर, और लोगों के द्वारा बताया गया कि आज दिनांक तक इसने उनकी नंबर प्लेट पर कभी भी अपना जो है नंबर नहीं लिखवाया है, और उनको बार बार जो है धमकाने का काम भी आस पड़ोस में किया करता था। बिल्कुल यहाँ पर मौजूद थे, अभी पुलिस के द्वारा उनको कैंट थाने में ले जाया गया है। कलेक्टर महोदय द्वारा 10 मिनट तक उसको यहाँ पर समझाया भी गया, और लगातार 2 दिन से समझाइश दे रहे थे, लेकिन आज कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, और इस बात की भी पूरी पुष्टि कराई जा रही है। हालांकि 2 लोगों ने इसको पुष्टि की है कि ये कंटेनमेंट जोन के अंदर भी इसका मकान है, और जो मकान वो खुद बता रहा है कि पास में TIT में मौजूद है, जिस पर धूल जमा है, जैसे कोई भी व्यक्ति उसमें कभी भी रहा ना हो, और पूरा मकान जो है खाली पड़ा हुआ है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।